ढिल्लो 80 और 90 के दशक की वो कामयाब अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुकाम हासिल किए, लेकिन लव लाइफ के मामले में वो ज्यादा लकी नहीं रही। उतार चढ़ाव से भरी इनकी लाइफ प्यार के मामले में बहुत ही अनलकी साबित हुई। वो कैसे और क्यों आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको पूनम ढिल्लो के पति के धोखे से लेकर इनके खुद के लव अफेयर्स तक की पूरी कहानी बताएंगे, जिस पर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। पर इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो ने साल 1978 में जैसे ही मिस यंग इंडिया का ताज अपने सिर पर पहना, वैसे ही इनकी लाइफ बदल गई क्योंकि नेम और फेम दोनों ही इनके झोले में आ गिरे थे। इतना ही नहीं, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस को देखकर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उसी समय इनको अपनी फिल्म त्रिशूल में कास्ट करने का फैसला कर लिया था और यह फिल्म हिट होते ही पूनम ढिल्लो रातों रात बॉलीवुड में फेमस हो गयी, जिसके चलते देखते ही देखते इनके घर के बाहर फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की लाइनें लगने लगी थी। लेकिन त्रिशूल के बाद पूनम ढिल्लो की अगली फिल्म नूरी थी, जिसके डायरेक्टर रमेश तलवार पूनम को फिल्म में रखना चाहते थे और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश तलवार को पूनम से लगाव हो गया और वो इनसे प्यार करने लगे थे। हालांकि पूनम उन्हें केवल दोस्त की तरह ही मानती थी, इसलिए जब पूनम को पता चला कि रमेश इनके प्यार में पड़ने लगे तो ये उनसे दूर हो गई थी। इसी के साथ साथ फिल्म नूरी के दौरान काम करते हुए पूनम का नाम डायरेक्टर यश चोपड़ा से भी जुड़ा था। हालांकि पूनम ने समय समय पर इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। इन सब के अलावा पूनम ढिल्लो ने असल में अगर किसी को चाहा था तो वो फिल्म प्रोड्यूसर राज सिप्पी थे, जिनसे इनकी मुलाकात एक शूटिंग के दौरान हुई थी। काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए पूनम राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके चलते पूनम ने राज को छोड़कर खुद को संभालने की बहुत कोशिश की थी। बावजूद इसके राज से जुदा होने पर वो अपने गम से उभर नहीं पाए और इसी बीच पूनम के सर से पिता का साया भी उठ गया था। इतना कुछ होने के चलते पूनम टूटने की कगार पर थी और इस मोड़ पर पूनम ने खुद को एकदम अकेला पाया था, जिसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया पूनम की जिंदगी में वो आशा की किरण बनकर आए, जिन्होंने पूनम को उसके गम से बाहर निकाला और बहुत खुश रखते हुए साल 1988 को शादी भी की थी। हालांकि शादी के बाद के कुछ साल खुशहाल गुजरे और पूनम एक बेटे और एक बेटी की मां भी बनी, लेकिन अपने बच्चों को जन्म के बाद पूनम ने ये महसूस किया कि अशोक अपने कामों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगे हैं। मगर कुछ ही दिनों बाद पता चला कि इनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और ये बात साल 1994 की है। आपको बता दे, पूनम ने अपने पति की इन काली करतूतों को छिपाने की जगह उन्हें उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाने की ठान ली और पूनम ने खुद ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। लेकिन जब इसका भी फायदा पूनम को नजर नहीं आया तो इन्होंने साल 1997 में अशोक से तलाक लेकर अपने दोनों ही बच्चों की परवरिश सिंगल मदर बनकर भली भांति की है। तो दोस्तों, क्या आप पूनम ढिल्लो की जिंदगी से जुड़ी ये सारी हकीकत पहले से जानते थे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।